रिवॉर्डिंग स्ट्रेंथ आज हमें पढ़ाएंगे जो पहला चैप्टर है एट क्लास का बायोलॉजी का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन, आज हम लोग इरिगेशन पर फोकस करेंगे। पहले देख जानेंगे कि इरिगेशन है क्या। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग कहते हैं सर्वाइवल के लिए क्या हम लोग के लिए वाटर नेसेसरी है, बिना वाटर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी लिए क्या सेम क्या क्रॉप के साथ है, अगर क्रॉप को अगर वाटर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे क्रॉप सर्वाइव नहीं कर सकता है, यानी कि क्रॉप नीड वाटर। फॉर सर्वाइवल यानी कि क्या चाहिए स्टूडेंट की क्रॉप जो है क्रॉप को क्या चाहिए वाटर चाहिए उनको उनको जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए या तो फिर उनके जो उनका जितना जो प्रोसेस है सब प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे कि उनका न्यूट्रिशन है या तो फिर क्या एक्सक्रीशन है जितना भी है सबके लिए क्या चाहिए वाटर है नेसेसरी प्रोडक्ट है। जैसे कि हम लोग क्या हम लोग बिना वाटर के बिना नहीं रह सकते, तो हमारे पास जो प्रोसेस है यानी कि हमारे पास जो प्रोसेस है यानी कि ऐसा प्रोसेस द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से क्या हो कि वाटर को सप्लाई करें हम लोग क्रॉप को, यानी कि क्रॉप को पानी देने का जो प्रक्रिया है, यानी किसी फील्ड में क्रॉप है या फील्ड है समझा क्रॉप है तो अगर फील्ड में अगर हमारे पास फील्ड में क्रॉप है तो क्रॉप को क्या चाहिए पानी चाहिए, तो जिस प्रोसेस हम लोग क्या वाटर सप्लाई करते हैं यहाँ पर हमारा सोर्स यहाँ पर हमारा क्या मोटर है, तो जिस मोटर से हम लोग क्या करते हैं पानी जो सप्लाई करते हैं क्रॉप को उसी पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर इज गिवन टू द क्रॉप, यानी क्रॉप को जो हम वाटर देते हैं या जिस प्रक्रिया से देते हैं उसको हम लोग कहते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट स्ट्रेट टॉपिक है वह हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन। यानी कि स्ट्रेट टॉपिक इरिगेशन क्या कितने टाइप हैं, तो पहला जो टाइप है हमारे पास इरिगेशन का उसको हम कहते हैं फरो इरिगेशन। यानी कि स्टूडेंट पहला जो इरिगेशन है वो हमारा क्या है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में क्या होता है स्टूडेंट के क्रॉप का फील्ड है, क्रॉप के फील्ड के बीच में जितने क्रॉप है उसके बीच से हम लोग क्या है चैनल बनाते हैं, यानी कि इस पूरा क्रॉप है यहां तक इसमें क्या है पूरे क्रॉप है तो स्टूडेंट क्या है कि अगर हमारे पास क्या एक पूरा फील्ड है, फील्ड में क्या है कि अगर क्रॉप है तो क्रॉप के बीच में क्या हम चैनल बनाएंगे वाटर चैनल। अगर हम क्रॉप को जो पानी जो दे रहे हैं पानी पहुंचाने का जो तरीका है वो हमारा अगर चैनल के थ्रू वाटर चैनल
के थ्रू अगर है तो उस टाइप के इरिगेशन को हम लोग कहेंगे फरो इरिगेशन। यानी कि फरो इरिगेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इरिगेशन यानी कि प्रोसेस इन विच वाटर इज गिवेन टू क्रॉप बाय मेकिंग चैनल्स। यानी कि स्टूडेंट क्या फरो इरिगेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है प्रोसेस इन विच वाटर इज गिवन टू क्रॉप बाय मेकिंग चैनल्स। यानी कि हम लोग क्या करते हैं क्रॉप के बीच में एक चैनल यानी कि एक रास्ता बना देते हैं और उस रास्ता में पानी देते हैं, चारों तरफ क्या होता है पानी फैल जाता है, उसको हम कहते हैं फरो इरिगेशन। नेक्स्ट जो इरिगेशन है हम लोग को वो है हमारा ड्रिप इरिगेशन। क्या कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन। यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन। यानी कि स्टूडेंट क्या कहते हैं ड्रिप इरिगेशन क्या कहते हैं हमारा है? एक मोटर रहेगा, मोटर्स क्या करेंगे डिफरेंट पाइप्स निकलेंगे और पाइप क्या करेगा पाइप के पास क्या जहां पे क्रॉप है उस क्रॉप के जड़ के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी टपकता रहेगा। उसको हम कहते हैं उसी रेशो कहते हैं यानी कि पूरे तरफ ना वाटर फैल करके सिर्फ उसके जड़ पे जाके गिरेगा बूंदा ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। एक एक ड्रॉप गिरा, दो ड्रॉप गिरा, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या क्रॉप है तो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर एक नेटवर्क रहेगा, पूरा सब तो क्या एक नेटवर्क है और ये वाटर कैरिंग पाइप रहेंगे, ये सब क्या रहेंगे वाटर कैरिंग पाइप से सब कनेक्टेड है सोर्स से। और इसका क्या करेगा एक बूंदा यहाँ यानी कि इसके जड़ के पास एक एक बूंदा यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाएगा, उसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। यानी कि इसमें क्या है जो ड्रिप इरिगेशन है ड्रिप इरिगेशन इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इरिगेशन बाय विच वाटर इज पोर टू द रूट्स ऑफ प्लांट। यानी कि ड्रिप इरिगेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इरिगेशन क्या एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है कि वाटर को हम लोग सीधा सीधे कहाँ पोर करते हैं, कहाँ गिराते हैं प्लांट के जो रूट है सीधे रूट के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप पोर टू द रूट ऑफ द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप और जब ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग जब वाटर को ड्रॉप करते हैं तो क्या कहता है ये बहुत सा वाटर बच जाता है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वाटर का वेस्टेज बच जाता है यानी कि एक्सेस वाटर नहीं जाता, जितना रिक्वायर्ड है उतना जाता है। यानी कि ये
सेव वाटर वेस्टेज, क्या कहते हैं, वाटर का जो खपत है यानी कि बर्बादी है उसको रोकता है। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है पढ़ने वाला पास है इस स्प्रिंकलर इरिगेशन, कौन सा है स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी कि स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो इरिगेशन का जो मोड है यानी कि नेक्स्ट इरिगेशन का जो टाइप है उसको कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है स्टूडेंट, ये रहेगा ये वाटर, ये एक पाइप है जिससे वाटर जा रहा है, यहाँ पर क्या रहेगा एक यहाँ से एक नोजल जाएगा, यहाँ से पाइप जाएगा, यहाँ पर एक नोजल रहेगा। इस नोजल के अंदर क्या है, ये नोजल रहेगा, नोजल के अंदर क्या है होल है, ये जो नोजल जो रहेगा वो क्या करेगा रोटेट करेगा, ये क्या करेगा रोटेटिंग, ये रोटेट करेगा। तो क्या करेंगे यहां से वाटर ये क्या करता है स्प्रिंकल करता जाता है, ऐसे वाटर को भेज रहा है इधर फेंक रहा है, और ये क्या कर रहा है ये जो ये क्या कंटिन्यूस नॉलेज क्या कंटिन्यूस करता है ये रोटेट करता रहता है, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा क्या होगा, ये जो पानी है इस डायरेक्शन में तो कभी उस डायरेक्शन में जाएगा, ये पानी उस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन पानी अगर इधर जा रहा तो कभी इधर आएगा। तो उस तरह से क्या होता है कि जितने भी जो वाटर रहते हैं जितने भी जो प्लांट है सबको वाटर मिल जाता है, या क्योंकि क्या करते हैं ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है, ऐसे पानी से लीक होता रहता है, ये घूम रहा है तो ये पानी क्या चारों तरफ पूरा 360 डिग्री बनाता है, यानी कि पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। यानी कि स्टूडेंट इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इन विच प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इन विच, जिसमें क्या होता है इन विच वाटर इज स्प्रिंकल्ड, इसमें क्या होता है छिटना, जिसमें छिटते हैं वाटर इज स्प्रिंकल्ड बाय नोजल, क्या होता है नोजल से हम लोग क्या कहते हैं चारों तरफ वाटर को छिटाते हैं स्प्रेड आउट करते हैं, उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज स्प्रिंकल्ड बाय ए नोजल इन और डायरेक्शन, और ये क्या जाते हैं सभी डायरेक्शन में पानी छिटाता जाता है सारे डायरेक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। और ये इरिगेशन हम लोग कहां पर यूज करते हैं, जहां पर की लैंड क्या है, इट इज यूज्ड वेयर लैंड सरफेस इज अनइवन, यानी कि स्टूडेंट हमारे पास मान लेंगे कि ऐसा जमीन है जहां पर क्या है कि वहां का जो मिट्टी है ऊपर खाबड़ है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो ऊपर आएगा तो पानी को क्या पानी हाइयर से लोअर की तरफ जा सकता है लेकिन लोअर से हाइयर की तरफ नहीं जा सकता है, तो वाटर क्या करेगा नीचे से डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ नहीं जा सकता है क्योंकि जमीन ऊपर है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ये स्प्रिंकल इरिगेशन यूज करते हैं। तो यही इस चीज को यहाँ लिखा हुआ कि इट इज यूज वेयर लैंड सरफेस इज अनइवन, यानी कि लैंड सरफेस जहां पर क्या लैंड सरफेस जहां पर क्या है अनइवन है, यानी कि स्मूथ नहीं है, एक जैसा नहीं है, कहीं ऊपर कहीं गड्ढा है कहीं ऊपर है, उस तरह का अगर जमीन है तो वहां पर जो हम लोग इरिगेशन जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं स्प्रिंकलर
इरिगेशन, इसमें नोजल रहता है, नोजल क्या करता है कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहता है, नोजल से क्या होता है वाटर लीक करता रहता है, ये क्या कर रहा है कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, तो जितना भी जो आसपास के जितना भी जो क्रॉप प्लांट है सबको मिलता जाता है पानी। नेक्स्ट जो इरिगेशन टाइप हुआ है हमारा बेसिन इरिगेशन, इसमें बेसिन इरिगेशन हम लोग यूज करते हैं कब, जब देखते हैं कि आसपास क्या नदी है, नदी में पानी खूब सारा हो गया तो क्या करते हैं नदी के मुंह को काट देते हैं और नदी का पानी सीधा क्रॉप के पास चला जाता है, उसको हम कहते हैं बेसिन इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन डन बाय, यानी कि प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इन विच प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इन विच प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप, यानी कि एक इरिगेशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि पानी को हम सप्लाई देते हैं किसी तरह क्रॉप के पास पानी जो देते हैं, यानी कि पौधा के पास पानी पहुंचाने का जो तरीका है जो एक रास्ता वो क्या है सप्लाई टू द क्रॉप बाय लार्ज बाय वाटर बॉडी, वो क्या है वाटर बॉडी से, यानी कि बगल में नदी रहेगा, नदी का नदी में ज्यादा पानी आया उसको सीधे काट दिया सीधे क्रॉप पास पहुंचे, उसे कहते हैं बेसिन इरिगेशन। तो इसमें ये था इरिगेशन और उसका टाइप। फिर आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहा है क्रॉप से रिलेटेड हुआ है वीड्स, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हुआ हमारे पास है वीड्स। तो वीड्स वीड्स हम लोग ऐसा चीज कहते हैं जो कि हमारे काम का नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट है, उसमें हम कहते हैं वीड्स, जो कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वीड्स। जैसे कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जैसे कि क्रॉप खेती करते हैं क्रॉप लगाते हैं, तो क्रॉप के साथ साथ अनवांटेड यानी कि जो हम नहीं चाहते हैं वो भी चीज वहां जनरेट हो जाता है, यानी जन्म ले लेता है, जैसे कि अनवांटेड घास भूसा जितना भी है उसे सब क्या है सब वीड्स है जो क्रॉप के साथ आ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कि अनवांटेड अनवांटेड थिंग्स। Things that grows with crop is called weed. यानी वीड किसको कहते हैं, यानी क्या वांटेड थिंग्स, यानी कि क्रॉप का तो जैसे जैसे क्रॉप बड़ा होगा वैसे उससे उसके साथ कुछ कुछ ऐसे चीज ग्रो करेंगे जो कि हमारे काम का नहीं रहता है, जो कि हमारे जरूरत नहीं है वहां पर, वो वीड्स क्या करते हैं कि वीड जैसे ही ग्रो करेंगे क्रॉप के साथ साथ, तो क्रॉप पर जितना भी न्यूट्रिशन है यानी कि जितना भी गैस को जो पिक करने वाला है गैस को यूज करने वाला उस गैस का शेयरिंग हो जाता है, यानी वीड्स क्या करते हैं उसका खाना को छीन लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि वीड्स क्या हमारा अनवांटेड चीज है
और ये वीड्स कहते क्या है, कि वीड्स वीड्स शेयर द न्यूट्रिएंट अवेलेबल टू क्रॉप, यानी कि क्रॉप के पास जितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, जैसे कि मिट्टी में जितना जितना भी है, मिट्टी में बोरोन है या फिर क्या है नाइट्रोजन फास्फोरस, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, तो क्या करता है शेयरिंग पे चला जाता है, यानी कि बगल में वीड्स आ गया तो क्या करेगा, अब नाइट्रोजन जितना उसको मिलना चाहिए उसे उसका नाइट्रोजन खींचेगा, फिर मिट्टी में जितना पानी है तो क्या करेगा, पानी क्या करेगा वीड्स क्या करेगा, क्रॉप के पानी को आधा खींचेगा, तो ये क्या करता है शेयरिंग में चला जाता है, यानी कि वीड्स क्या करते हैं कि वीड्स जन्म लेंगे तो जन्म लेंगे तो इनको खाना चाहिए, तो ये खाना कहाँ से लेंगे, तो क्रॉप के आसपास जितना भी जो न्यूट्रिएंट है उसे क्या करता है वो शेयरिंग में चला जाता है, यानी कि एक तरह से क्या करता है कि क्रॉप को लॉस पहुंचाता है। आगे जो स्टेंट पढ़ना है वो क्या है, वीड्स कंट्रोल, यानी कि ये जो वीड्स हैं इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्टूडेंट पहला जो वीड्स कंट्रोल का जो पहला जो मेथड है वो क्या है, पहला क्या हैंड पिकिंग, पहला क्या है हैंड पिकिंग, यानी कि वीड्स को अगर क्या करना है, अगर हटाना है तो हम क्या करते हैं उसको हाथ से उखाड़ के फेंक सकते हैं, यानी कि पहला वीड्स कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि अगर कहीं वीड्स अगर नजर आता है तो हम लोग क्या करते हैं हैंड पिक करते हैं, उसको हाथ से एक एक करके उखाड़ के फेंकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है क्या, ये लॉन्ग टाइम टेकिंग है, दिस मेथड इज टाइम टेकिंग, यानी ये जो मेथड है क्या है ये है टाइम टेकिंग है, और दूसरा क्या है रिक्वायर मोर लेबर, और एक प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इतना मतलब कि इतना टाइम टेकिंग है, और क्या कर रहा है दूसरा दूसरा डिसएडवांटेज क्या की है, ज्यादा लेबर रिक्वायर करता है, यानी कि अगर मान लीजिए बड़ा फील्ड में अगर वीड हो गया तो एक आदमी से नहीं हो सकता है, उसके लिए हमको लेबर लगाना पड़ेगा, तो हम लेबर लगाएंगे तो क्या होगा हमारा कॉस्ट लगेगा, तो कॉस्ट लगेगा तो हमारा क्या प्रॉफिट से क्या है लॉस होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम इस मेथड को यूज नहीं करते हैं, हैंड पिकिंग को हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा लेबर लगेगा, और लेबर काम करेगा तो क्या है उसका डेली का पेमेंट देना है, तो आखिर वो पेमेंट क्या है किससे आएगा, इसे क्रॉप से आएगा, इसलिए हम लोग इस मेथड को ना यूज करते, फिर इसके लिए इसका हम लोग अल्टरनेट मेथड लाते हैं, दूसरा क्या है कि पेस्टिसाइड, पेस्ट साइड मतलब होता है टू किल, साइड यानी कि साइड सी आई डी मतलब होता है टू किल, और पेस्ट पेस्ट मतलब क्या होता है पी एस टी पेस्ट, पेस्ट मतलब होता है एनिमल विच डिस्ट्रॉय क्रॉप, यानी कि ऐसे जानवर जो क्या करते हैं क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं उसको हम कहते हैं पेस्ट, और उसको मारने वाला एक चीज कहते हैं पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्टिसाइड आर द केमिकल, ये पेस्टिसाइड क्या है, दीज आर द केमिकल्स विच हेल्प टू पेस्ट, जो क्या करते हैं कि पेस्ट को मारते हैं, यानी कि पेस्ट क्या है दीज आर द केमिकल विच हेल्प टू किल पेस्ट,
स्टूडेंट नेक्स्ट जो वीड कंट्रोल करने का मेथड है वो हमारा क्या है, इंसेक्टिसाइड। क्या स्टूडेंट क्या है, इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्ट यहाँ पे वर्ड से मेंशन किया हुआ, इंसेक्ट क्या है, साइड, यानी इंसेक्ट मतलब कीड़ा, साइड मतलब टू किल। तो दीज आर द केमिकल, यानी कि ऐसा केमिकल है, दीज आर द केमिकल व्हिच इज यूज्ड टू किल इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है कि ये सब कैसा केमिकल है, केमिकल जो क्या करता है, इंसेक्ट को मारता है। और दीज आर स्प्रेड यूजिंग मशीन्स, स्प्रेड यूजिंग, और क्या करते हैं इसको क्रॉप में, मशीन के द्वारा, मशीन का हेल्प लेकर छिड़ते हैं। तो सर ये था आज का टॉपिक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, यानी कि ये क्वेश्चन आगे कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना है। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन, यानी कि आपको डिफाइन करना है कि इरिगेशन क्या है। फिर स्टूडेंट दूसरा क्या है, फिर पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज इरिगेशन, फिर सेकंड क्या है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन सा है, इरिगेशन डिफरेंट, इरिगेशन क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या प्रकार है। फिर स्टूडेंट तीसरा क्या, एक्सप्लेन फर्स्ट ड्रिप इरिगेशन, सेकेंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, थर्ड बेसिन इरिगेशन और फोर्थ फरो इरिगेशन। यानी कि स्टूडेंट इरिगेशन का जो टाइप है, यानी कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन और फरो इरिगेशन, ये सबको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन फोर जो है वो क्या, कि व्हाट आर वीड्स, स्टूडेंट लिखना है इसमें कि वीड्स किसको कहते हैं, वीड्स क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखना है कि हाउ वीड्स कैन बी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखना है कि वीड्स को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है वीड्स को कंट्रोल करने का। सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस इसको अपलोड कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।